हेलो गाइस, आप लोग का न्यू वीडियो लेकर देख सकते हैं। आरएस गोल्ड कंपनी का इंजन है, देख सकते हैं इसका क्रैंक सीज कर गया है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। देख सकते हैं चक्का भी इसका नहीं हिल रहा है, तो हम लोग इसको खोल कर साइड पला पहले चेक करेंगे कि इसका सीआर बेयरिंग गल गया है कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलते हैं वीडियो में, आप लोग बने रहे। देख सकते हैं RX70 EV इंजन है ये और RS गोल्ड कंपनी में है। तो चलते हैं, पहले हम लोग साइड पला को खोलेंगे, देखते हैं इसमें इंजन में मोबिल भी कम है। देख सकते हैं पूरा इसका चक्का पूरा जाम है, तो हम लोग चलते हैं और फीता भी तोड़ दिया साथ में। तो इसको हम पहले साइड पर लाग खोल कर चेक करेंगे, तो वीडियो में बने रहे आप लोग। 10 नंबर इंच के ले लेके तो यहाँ से खोल लेना है चारों नट को। पहले हम लोग इसका चेक करेंगे और इंजन मोबाइल भी कम है, देखते हैं कि इसका सीआर बेयरिंग सीज करके है क्या, वही हम लोग चेक करेंगे। देखिए चारों नट को खोल लेते हैं साइड पर लाग को। ये पॉट इंजन है, RX70 भी बोला जाता है, CD चाइनीज भी बोला जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ से कनेक्टिंग लॉक को हम लोग सीधा करेंगे, पेचकस की मदद से ऐसा कर सीधा कर देना है। अब चलते हैं इसे हम लोग खोलेंगे 14 नंबर इंच की मदद से। हार्ड टाइट कैला रहता है, तो आप लोग आराम से खोलिएगा, गोटी रिंच भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से खोल लेंगे हम लोग। दोनों नट को खोल लेना है। किसी किसी इंजन में लॉक नहीं दिया रहता है, तो कोई बात नहीं, से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग अलग से भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो उतना ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए इसको भी थोड़ा सा, इसका जो लॉक है वो बहुत टेढ़ा हो गया, तो इसी चलते नट में पकड़ रहा है, तो दिक्कत हो रहा है खोलने में। चलिए इसे भी खोल कर हटा कर देखिए, हमारा इंजन में अगर वायल अच्छे से नहीं पूरा रहेगा, तो बार बार सीआर बेयरिंग कट जाता है। तो आप लोग या अच्छे से या इंजन मोबिल खारा होगा। देख सकते हैं इसका सीआर बेयरिंग एक तो ठीक है, और दूसरा वाले को हम लोग चेक करेंगे। देखिए हमारे पास सीआर बेयरिंग ऑलरेडी हम पहले से ला चुके हैं, और देखते हैं दूसरे वाले को सीआर बेयरिंग को चेक करते हैं। तो हम लोग इसका सीआर बेयरिंग चेंज करेंगे ही। सीआर बेयरिंग कैसे चेंज किया जाता है R70 का, CD चाइनीज का, तो आप लोग जब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, तुमके लिए जनरेटर रिलेटेड वीडियो देखने के, ऐसे करके पेचकस की मदद से हमें निकालना पड़ता है। देखिए ऐसे करके पेचकस मारिएगा, निकल जाएगा बहुत आसानी से। देखिए इसे थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि देखिए इसका पूरा कट गया है, यही सीआर बेयरिंग पकड़ा हुआ है। तो हम लोग ये नया सीआर बेयरिंग इसमें डालेंगे। देखिए ऑयल कितना कम है, जो इस बमोजी रहता है इसमें बहुत ऑयल कम है, क्योंकि इसमें ऑयल कम होने के कारण से सीआर बेयरिंग इसका गल गया। देख सकते हैं RS गोल्ड कंपनी का सीआर बेयरिंग है, और ये सीआर बेयरिंग आप लोग को मार्केट में 50 से 60 रुपये में ऑल इंडिया में जहाँ भी ले सकते हैं। देख सकते हैं R70 का है, देख सकते हैं R70 A, ये इसका इंजन का मॉडल हो गया। चलते हैं इसे निकाल कर लगाते हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे सील पैक में आएगा, तो हम लोग दोनों को नया डाल देते हैं। देख सकते हैं स्टैंडर्ड है RS गोल्ड कंपनी का, इसे निकाल लेते हैं। एक तो फिलहाल इसमें थोड़ा सही है, लेकिन उतना सही नहीं है, तो हम लोग इसे भी हटा देते हैं दोनों, क्योंकि देखिए इसमें पूरा अच्छे से है मेटल, उसमें आधा छिया उड़ गया है। देखिए ये स्टिकर हरदम ऊपर रहना चाहिए, मैं बताऊंगा कैसे इसको लगाया जाता है। और आप लोग ये चेना भी देख सकते हैं, दोनों खांच का जो लॉक रहता है उसका, ऐसे ये कनेक्टिंग रॉड ऐसे कसाएगा, देख सकते हैं। तो भीतर में है तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं आप लोगों को पहले भी देखिए ऐसे कर अब दूसरा को डालना है हमें। दूसरा को डालकर यहाँ से अच्छे से बिठा देना है, और कनेक्टिंग को थोड़ा सा खींच लेना है, और पेचकस की मदद से देखिए यहाँ से हल्का हल्का कर ठोकना है हमें, धीरे धीरे ठोकना है। देखिए थोड़ा सा बस गया, थोड़ा सा ऊंच भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पल्ला कसने टाइम हमारा अच्छे से और लॉक हमारा सेटिंग रहना चाहिए। देखिए ऊपर में लिखा रहता है अक्षर में, तो आप लोग जब देखे तो अक्षर में जाकर देख कर देख सकते हैं, मैं वहीं पर दूँगा। अगर उल्टा लगा लीजिएगा तो क्रैंक हमारा जाम हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान दिए बात कर। और मैं खांच भी आप लोग को बता चुका हूँ कि ऐसे खांच ऊपर रहना चाहिए, दोनों साइड का चेन्हा रहता है,
तो आप लोग अपने हिसाब से इंजन में जो रहे वही करें। चलते हैं, इसे एक नट को पहले फंसा लेते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मिस्त्री भाई अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा ही कर कर काम मेरे वीडियो देखकर सीख सकते हैं। चलते हैं, इसे टाइट करते हैं अच्छे से। ऐसे हार्ड से टाइट करना है क्योंकि ये इंजन ज़्यादा रफ्तार का होता है। चलिए इसे अच्छे से टाइट कर देते हैं। अब इसे हम लोग लॉक करेंगे, देखिए कोआ प्लस की मदद से ऐसे कर कर लॉक कर देना है हमें दोनों को। देखिए यहाँ से, और उस साइड भी लॉक करना है हमें दोनों साइड का, क्योंकि ऊपर जगह नहीं रहता है तो अच्छे से हमें लॉक करना है। लॉक हो गया हमारा, ऐसा ही लॉक किया जाता है। और इसको भी लॉक कर रहे थे हम लोग, लॉक हो गया हमारा। अब हम लोग इसे ऑयल डालकर और उसके बाद इस ढक्कन को हम लोग कस देते हैं। देख सकते हैं आप लोग को दोनों दिख रहा होगा, दोनों अक्षर मेरा सामने सामने हैं, देख सकते हैं। ऐसा ही कसिएगा तो इंजन हमारा जाम नहीं होगा। तो चलते हैं आप साइड प्लाय कसते। देखिए साइड प्लाय दो तरह का आता है, एक ऐसा आता है और एक में दो ठो प्लेट वाला आता है। तो आप लोग जब कसे तो प्लेट वाला रहेगा दो ठो, तो भूंग होगा तीन चार ठो, तो नीचे मुँह दीजिएगा। इसमें नहीं है तो हम लोग सीधा कसेंगे प्लेट को, प्लेट को सीधे कस देना है। अब चलते हैं प्लेट कसकर ऑयल डालकर आप लोग हम चालू करके लाइव प्रूफ दिखाते हैं। चलिए 10 नंबर रिंच की मदद से इसे भी टाइट कर देते हैं। तो हम लोग इसे टाइट कर देते हैं। और शेयर बेयरिंग करने का कारण एक ही है कि इंजन में ऑयल इंजन जब खा लेता है तो आप लोग इंजन को बार बार चेक कीजिए। और क्या होता है कि ज़्यादा दिन पर ऑयल आप लोग चेंज कीजिएगा तो उसी चलते भी मोबिल हमारा इंजन का घट जाता है, क्योंकि ये पॉट इंजन है। तो चलते हैं, अगर आप लोग का भी इंजन में मोबिल घटने का कारण है तो आप लोग रिंग चेक करवाइएगा। चलिए इसे हम लोग मोबिल डालते हैं। 2 लीटर मोबिल इसमें पड़ गया, अब इसमें इंजन में 2 लीटर लगेगा, तो 2 लीटर डला गया। अब देखिए यहाँ से, देखिए इसमें 2 खांस पूरा ऑलरेडी पूरा है, तो हम लोग इसमें इसमें 2 ही लीटर पड़ता है, और जो हवा वाला आता है उसमें 1 लीटर पड़ता है। देख सकते हैं आप लोग, आर एस गोल्ड कंपनी का यह इंजन है। अब इंजन हमारा पूरा कम्प्लीट हो गया, तो हम लोग अब चालू कर दिखलाते हैं, लोड में भी चला के दिखलाएँगे। चलिए देख सकते हैं इंजन में, अब हम लोग चालू करके दिखलाते हैं। देखिए इंजन हमारा एक ही में चालू होगा और इंजन हमारा फ्री भी हो गया, देख सकते हैं आप लोग। इंजन हमारा कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं पानी का लोड भी बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग ऐसा ही अपने इंजन का शेयर बेयरिंग R70 का और सभी चाइनीज का मॉडल का भी शेयर बेयरिंग चेंज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल फॉलो कर।